हेलो एवरीवन आज हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इंक्रीमेंटल मॉडल द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड इन इंक्रीमेंटल ऑफ फंक्शनल कैपेबिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंक्रीमेंटल मॉडल के मुताबिक जो है वो डेवलप किया जाता है द डेवलपमेंट इन इज इन स्टेप्स ये स्टेप बाई स्टेप इसमें डिवेलपमेंट होती है विद द पार्ट्स ऑफ सम स्टेज पोस्ट पॉन्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्किंग फंक्शनल फंक्शन एर्यर इन द डिवेलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इसमें कुछ जो है वो स्टेजेस पोस्टपोन कर दी जाती हैं यानी बाद में बना ली जाती हैं पहले उन्हें छोड़ दिया जाता है डिले कर दिया जाता है क्योंकि एक फंक्शनल पहले एक फंक्शनल वर्किंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए जब आप जब इंक्रीमेंट मॉडल में एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं जो वर्किंग कर रहा होता है एक फंक्शनल सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है उसके बाद उसमें जो स्टेजेस छोड़ दी जाती हैं तो वो ऐड कर दी जाती हैं अदर फंक्शनस आर स्लोली एडिड लेटर एज इंक्रीमेंट्स जो दूसरे फंक्शनज़ होते हैं यानी उसको में मज़दीद फंक्शनलिटी जो ऐड करनी होती हैं वो स्लोली एड करते जाते हैं इंक्रीमेंट्स में जो बाद में आने वाले इंक्रीमेंट्स होते हैं उनमें इसी तरह है जैसे कि एक सॉफ़्टवेयर अगर एक मोबाइल है उसमें बेसिक आपको फंक्शनलिटीज़ दे दी जाती हैं और बाद में उसकी अपडेट्स आती रहती हैं तो वो इस तरह इंक्रीमेंटल मॉडल भी इसी तरह वर्क करता है कि उसमें फर्स्टली एक फंक्शनल जो होता है वो सॉफ्टवेयर यूज़र को दे दिया जाता है उसके बाद उसमें जो है इंक्रीमेंट्स करते रहते हैं दस वॉयल एनालाइज एंड डिज़ाइन आर डन फॉलोइंग द वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल ये इसमें भी जो डिज़ाइनी डिज़ाइन फेज़ और एनालाइज फेज़ होती है वो वाटरफॉल मॉडल की तरह ही होता है यानी उससे पहले ही पहले हमें एनालाइज़ और डिज़ाइन कर लेना चाहिए डेवलप करने से पहले वाटरफॉल मॉडल की तरह ही क्या ही होता है अब कोडिंग इंटीग्रेशन इन टेस्टिंग आर डन इन एन इंक्रीमेंटल मैनर जो इसमें कोडिंग इंटीग्रेशन जो होती है और टेस्टिंग जो होती है वो इंक्रीमेंटल मॉडल के मुताबिक होती है देयर आर मेनी सिचुएशन इन विच द इनिशियल सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आर रीजनेबली वेल डिफाइंड इसमें जो इंक्रीमेंट मॉडल होता है उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं वो पहले ही डिफ़ाइन कर दी जाती हैं कि, कि किसके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर बनाना है दे आर मे बी कंपेलिंग नीड्स टू प्रोवाइड अ लिमिटेड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी टू यूजर क्विकली एंड देन रिफाइन आर एक्सपेंड ऑन द फंक्शनैलिटी इन लेटर सॉफ्टवेयर रिलीजिज़ पहले एक आप एक जो है वर्किंग सॉफ्टवेयर फंक्शनल सॉफ्टवेयर बना के यूज़र को दे देते हैं उसके बाद उसमें जो है नेक्स्ट फेजिज़ में आप उसकी जो है लेटर ऑन उसको एक्सपेंड करते रहते हैं फाइनल रिलीज तक यानी यही इसी तरह है कि अगर एक सा एक कॉलेज है वो चाहता है कि आप एक उसे सॉफ्टवेयर बना के दे दें जिसमें एक अटेंडेंस का सेक्शन हो एक एक, एक स्टूडेंट एग्ज़ाम का हो एक टीचर की इंफॉर्मेशन का हो तो आप उससे बेसिक बना के दे देते हैं जो इसे ऐड ऑन करता है और बाद में जो फंक्शनैलिटी आपको एक्स्ट्रा चाहिए उसमें यानी अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ामिनेशन पार्शन में ये भी हो कि वो एग्जामिनेशन के मार्क्स कैलकुलेट करके रिजल्ट बना के पेरेंट्स को सेंड कर दे तो ये लेटर इंक्रीमेंट्स जो होंगे उसमें ये फंक्शनल फंक्शनैलिटी ऐड कर दी जाएगी लेकिन स्टार्टिंग में आपको बेसिक जो है वो बना के दे दिया जाएगा फंक्शनल सॉफ्टवेयर इसकी ये डायग्राम है अब देखिए फर्स्ट इंक्रीमेंट में क्या है एनालाइज करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चाहिए क्या करना है इसमें रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो गैदरिंग करते हैं उसके बाद डिजाइन करते हैं उसका डिज़ाइन बनाया जाता है उसके बाद उसका कोड किया जाता है कि को कोड किया जाता है उसके बाद टेस्ट किया जाता है कि ये वर्किंग करता है कि नहीं उसके ये जो है फर्स्ट इंक्रीमेंट है ये जो है वो कस्टमर को डिलीवर कर दी जाती है उसके बाद अगर मजीद फंक्शनैलिटीज़ के लिए जो है नेक्स्ट में फिर अगेन एनालाइज़ किया जाता है कि नेक्स्ट फंक्शनलिटीज़ क्या ऐड करनी है डिज़ाइन भी किया जाता है देन अगेन कोडिंग भी की जाती है जैसी बात है नेक्स्ट जो है वो आपने फंक्शनलिटी डालनी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोड चाहिए होगा और उसे टेस्ट किया जाता है कि ये वर्किंग करता है कि नहीं और फिर जो है नेक्स्ट अपग्रेड जो सॉफ्टवेयर है उसको डिलीवर कर दिया जाता है कस्टमर को देन अगर फिर भी चाहिए हो कुछ फंक्शनैलिटी लेटर ऑन तो उसमें अगेन एनालाइज करते हैं क्या चाहिए और डिज़ाइन फिर करते हैं और फिर कोड भी उसमें करते हैं और देन अगेन टेस्ट करते हैं कि चलता है और देन उसे डिलीवर कर दिया जाता है कस्टमर को थ्री इंक्रीमेंट्स तक एक सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली डिवेलप हो जाता है अब हम इसके एडवांटेजेस कुछ देख लेते हैं यूज़र कैन गिवन सजेशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिलीवर्ड एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम जो है इसमें जो यूज़र की जो है सजेशन देता है स्टार्टिंग में आप जो रिलीज़ करते हैं उसके मुताबिक वो सजेशन देता है तो उसमें आप जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं और वो उसकी सजेशन के मुताबिक चीज़ें ऐड कर सकते हैं आखिरी इंक्रीमेंट से पहले द डिवेल्पर इंगेज दमसेल्फ इन डिवेल्पिंग द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन फंक्शनल फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर इन द इट फर्स्ट इंक्रीमेंट फास्ट इंक्रीमेंट में है जो डिवेलपर है वो अपने आप को फुली इंगेज करता है क्योंकि फ़र्स्ट में आपको चाहिए होता है कंप्लीट एक फंक्शनल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है क्योंकि आपने रिलीज़ करना होता है यूज़र के लिए या क्लाइंट को देना होता है कि यूज़ करने के लिए दस दीज फीचर आ गेट मैक्सिमम एंड द मोस्ट एस कंसनट्रेशन अटेंशन फ्राम द डिवेलपर देआर फॉर द दे आर इज़ अ ग्रेट लाइक हुड दैट द प्रोग्राम आर एरर फ्री इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन और कंसंट्रेशन चाहिए होती है मैक्सिमम कंसंट्रेशन और अटेंशन चाहिए होती है डेवलपर की तो जब वो इतनी अटेंशन और जे देता है तो उसमें मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि इसमें एरर फ्री होगा इसमें एरर कोई नहीं होगी टेस्टिंग इसमें जो है टेस्टिंग एरर डिटेक्शन एंड एरर क्रेक्शन बिकम रेलिटिवलीजी टास्क इसमें जो है वो क्योंकि एक एक इंक्रीमेंट में दिया जाता है तो इसमें टेस्टिंग जो एरर डिटेक्शन एरर को ढूंढना और एरर को करेक्ट करना ये जो है इजी होता है एज कम्पेयर टू अडर मॉडल की अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल सर्टन प्रॉब्लम जनरली एसोसिएट विद इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल डिवेलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर आर फॉलोइंग इसमें कुछ जो है वो प्रॉब्लम आती हैं द ओवरऑल आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी एस्टेब्लिश इन द बिगिनिंग एंड ऑल इंक्रीमेंट मस्ट भी फिट इन टू दिस फ्रेमवर्क इसमें वो कह रहा है कि जो आर्टिटेक्चर फ्रेमवर्क जिसका जो है फ्रेमवर्क कुछ पहले ही बना दिया जाता है कि इसके मुताबक हम ये इंक्रीमेंट आल इंक्रीमेंट रिलीज़ करेंगे जो फर्स्ट जो है आपने बना दिया है उसी के मुताबिक आपने तमाम जो इंक्रीमेंट्स हैं वो उसके मुताबक बनानी पड़ेंगी उस पर फिट आनी चाहिए अदरवाइज जो है सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा ईच फेज़ ऑफ एन अट्रेटिव इज रिजिड एन डू नाट ओवरलैप ईच आदर इसमें जो होती है जो ईच फेज़ होती है वो रिजिट होती है वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करती आपने जैसा कि वाटरफॉल मॉडल में देखा है प्रीवियस वीडियोस में कि वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा होता है एक दूसरे के साथ इंटर इंटरनली जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है इसलिए वो ओवरलैप करता है लेकिन इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग